है और कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। उसकी जानकारी सुकमा में 45 और बीजापुर में 210 की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गई। मैंने वो भी पूछा साहब, उसमें ये पूछा है उनने, इनका तनख्वाह कहाँ से आता है, डीएमएस से आता है? शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितने भर्ती किए? हाँ जी, अब उनका तनख्वाह कहाँ से देते हैं? इनकी तनख्वाह और पढ़ा कितना है वो? ये जो खनिज न्यास जो निधि है उससे उसका तनख्वाह। और पढ़े हैं वो लोग? माननीय जो शिक्षक बनाए गए हैं पढ़े हैं? पढ़े हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण। क्या पढ़े हैं? उनकी उनकी व्यवस्था देखिए भाई साहब, जो माननीय मंत्री जी, माननीय एक मिनट सुन लीजिए। विषय शिक्षक का है, आरोप नहीं है किसी तरह का, आप आरोप लगाते तो आप अव्यवस्थित होते। आदिवासी क्षेत्र का मामला है, आपके डीपीआर ने 300 से ऊपर स्कूल खोले गए, उपलब्धियों में बड़े बड़े बोर्ड दिखते हैं, ये उसके नीचे छपवा दीजिए कि शिक्षक इतने नहीं है। जब आप श्रेय लेते हैं स्कूल खोलने का तो कृपा करके ये बता दीजिए, आप श्रेय लीजिए, शिक्षक कब से भर्ती किए गए, कितने किए गए, शैक्षणिक योग्यता और उसकी भर्ती की प्रक्रिया और वेतन कहां से निकलता है? खनिज न्यास से निकलता है। प्रक्रिया किस प्रक्रिया में भर्ती किए, हेडमास्टर ने भर्ती किया, जिला ने भर्ती किया कि वो बोर्ड बना है ना बस्तर के लिए और सरगुजा के लिए, उस बोर्ड ने भर्ती की और कुल संख्या कितनी और शैक्षणिक योग्यता अधिकतम न्यूनतम बता दीजिए, पांचवी पास एमए पास करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संख्या बता दिया कि प्राथमिक शाला में आपने जो भर्ती किया हुआ है उसमें जो न्यूनतम योग्यता जो रखी गई है वो हायर सेकेंडरी पास किया गया है, और उसकी वेतन कहाँ से होगी तो आपके जो स्थानीय जो खनिज न्यास निधि है वहां से उसकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज न्यास निधि उसको कलेक्टर हाथ पकड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो इन लोग स्कूल बंद किए पूरे प्रदेश में और हमारी सरकार अगर स्कूल चालू करी है स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बना रहे तो इन लोग उसमें प्रश्न जी हमारी सरकार ने बंद स्कूल प्रारंभ कराया है, आप लोगों ने स्कूल बंद कराया प्रश्नकाल को प्रश्नकाल तक रख दीजिए प्लीज। स्थानीय बंद कर दिया, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाई गई है, आप विलंब से आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्यों हो रही है? खाली आपके नाले जवाबदारी में आप तरफ तो स्कूल बंद जवाबदारी में आप शिक्षा मंत्री अमर जी जी भर्ती कराया गया है, अमर जी से कराया गया है, सक्षम मंत्री का ऐसा है वक्तव्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कुल जाइए, मैं तो जवाब दे रहे हैं आप। मैं उत्तर दे रहा था माननीय, आज ही मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है। प्राथमिक शाला में 27,150 शिक्षक कम है, पूर्व माध्यमिक में 19,619 शिक्षक कम है, हाई स्कूल में 2,515 शिक्षक कम है और हायर सेकेंडरी में 6,948 शिक्षक कम है। ये आज के माननीय शर्मा जी, ये शर्मा जी, ये स्कूल जो आपने बंद किया था ना वो हम शुरू किए हैं नक्सली एरिया में, जो क्षेत्र जो बन गए थे क्योंकि संवेदनशील एरिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो संवेदनशील एरिया है, यहाँ पर जाता नहीं है सरकार। अनूप नाग, ये है कलेक्टर ने हाथ पकड़ के भर्ती किया क्या उन लोगों को? अनूप नाग, कोई प्रक्रिया भर्ती करने की तो होगी, कोई प्रक्रिया को बताएंगे इस प्रक्रिया के तहत भर्ती हुई। चलिए कि दो शिक्षक, एक शिक्षक दो स्कूल को पढ़ा रहे हैं कि कौन हिस्सा को पढ़ा रहे हैं ये तो मंत्री जी बता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक स्कूल में एक शिक्षक भी नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था और मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक स्कूल है उसमें दो टीचर है, कौन दिक्कत बड़ी बात। अच्छा नाम दे दो टीचर के। चलो अभी माननीय अध्यक्ष महोदय पटल पे रख दे, हमको दे, अभी दे दे। आप लोगों को तो पूछना नहीं है, अधिकार नहीं बनता है। अभी डीएमए प्राथमिक में आप लोगों ने शिक्षा का हमने छीना है, हमने किया है, हमने किया है स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाई। एक गोड्डा ने मत का जो बंदर बात किया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, तो टीचर के नाम दे दिया पटल जवाब देते हैं। अध्यक्ष महोदय उलझा हुआ प्रश्न है, सदन का सिर्फ दो तीन आप मत उलझाइए, प्रश्न उलझा हुआ था इसलिए मैंने दोबारा लिया है उसको। जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, दो तीन दिन बाकी है, कम से कम आसु आप जरा मंत्रियों को प्रताड़ित करिए कि बीच बीच में मत खड़े। चलिए मत कर, और अच्छे से चलने दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, उसको चलने दीजिए, आप लोग मत बोल देना। चलिए अनूप नाग, शिक्षा विभाग के मंत्री को जवाब दे। अनूप नाग आप माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बंगला भाषी शिक्षकों से भर्ती के संबंध में मेरा सवाल आदिम जाति कल्याण मंत्री से है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। मेरा सवाल इस प्रकार है, क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व में अंतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पीवी परलकोट क्षेत्र में 133 ग्रामों में बंगला भाषी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी जिन्हें हटा दी गई है। अब वहां के हटाए हुए शिक्षकों की बेरोजगारी की समस्या आ गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भविष्य में शिक्षा कर्मियों की जब भर्ती होगी तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, क्या आश्वासन चाहता हूं आपके माध्यम से। माननीय अध्यक्ष महोदय, परलकोट में जो 133 ग्राम है और वहां पे बंगला भाषी लोग रहते हैं वहां पे, और जो भी शिक्षकों की जो भर्ती होती है वो जो बंगला जो जानते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। भर्ती बंगला भाषा के नाम पे हो, सहायक शिक्षकों की भर्ती होती है, लेकिन उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं जो बंगला जानते हैं उन स्कूल में उनको प्लस किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में मुझे ये जानकारी आया है महोदय कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, जबकि मैं नियुक्ति के आदेश भी है और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उन नियुक्त शिक्षकों को हटाए जाने की भी आदेश की कॉपी रखा हूँ। अब ऐसी स्थिति में अगर ये कहें कि ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं तो गलत जानकारी। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बंगला भाषी जो शिक्षक है उनको भर्ती किया गया है, और यदि पूर्ववर्ती सरकार ने हटा दिया है तो आप सूची दे दीजिए उन लोगों के बारे में, फिर से सोच लेंगे उनको। नहीं तो उनको कब हटाया गया है? ये तो 15 में हटाया गया जी, 14 में भर्ती हुई और 15 में हटा दिया गया। और मेरे सारे शिक्षकों की जो नियुक्ति शिक्षक है उनका काम ही हटाना है। नहीं, उसमें दे दीजिए, पूरा सूची है मेरे पास, नियुक्ति आदेश आपका जो शिक्षकों की सूची, आप सूची को माननीय मंत्री को उपलब्ध करा दें जी। वो मैं उसको दिखवा लूंगा उसको, और जब जब भर्ती होगा तो निश्चित रूप से भविष्य में भविष्य में शिक्षकों की भर्ती में बंगला भाषी को आश्वासन मिल जाए कि बंगला भाषा, बस इतना ही चाह रहा हूं। वहाँ जो पढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अलग से केवल उसी के लिए पढ़ाई, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाते हैं इसको, तो क्लास 1 पहली और दूसरी पढ़ाते हैं ताकि जो लोकल जो जानते हैं आप वहाँ बंगला भाषा, एक तरफ में हमारा जो किताब छपा है उसमें एक तरफ बंगला है एक तरफ आपका हिंदी है, तो वो लोग समझ सकें। और जो बहुत से लोग हैं जो मेरे पास जो जानकारी है जो 133 गांव में जो पढ़ा रहे हैं वो वही लोकल हैं और उनको भाषा आती है। वो जिन लोगों को निकाल दिया गया उसके बारे में बात कर रहे हैं आप, उनसे सूची ले लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। मुझे दे दीजिए चंदन कैसे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से प्रश्न किया था, मंत्री महोदय ने 5 कार्य लिखा है जबकि पूरी सिस्टम 123 किसान पर कार्य करने की सूची दी गई है। पर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, आश्रम छात्रावास में लगाए गए सोलर लाइट के एक सेट की लागत क्या थी और इसमें क्या क्या सामग्री प्रदान करना था और किस प्रक्रिया के तहत सामग्री क्रय किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का प्रश्न भी है, उनका शिकायत भी था पत्र में, उन्हें कहा है कि वहाँ जो सोलर लाइट लग रहा है उसमें जो कंपनियां जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने जो काम हो रहा है उसमें रनिंग पेमेंट के लिए पैसा उसमें दिया गया, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसमें उसकी क्या सतर्कता हो सकती है। आपने अपने पत्र में कहा है कि
जो उसकी जो जांच के लिए कमेटी बना दी और उस अलग अलग विभाग के होंगे तो कमेटी बना दी गई माननीय अध्यक्ष महोदय। कमेटी में शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य आईटीआई अनुभागीय अधिकारी लोक निर्माण और सहायक क्रेटा के जो लोग रहेंगे। आपने इस आग्रह किया था कि अलग भी दूसरे विभाग के लोग उसमें कमेटी में रहें तो कमेटी जो कि बन गई है और उसकी पूरी जांच हो जाएगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी, मंत्री महोदय, मंत्री जी मैं पूछ रहा हूँ, क्या जो समिति बनाई है वो वही क्रय करने वाले लोगों की समिति बनाई है कि बाहर के लोगों की बनाई है? नहीं नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अलग जांच करने के लिए है ये कमेटी। तो अलग एक जो कमेटी बनाई गई है, माननीय विधायक जी का शिकायत था, कलेक्टर को उन्होंने दिया कि विधायक 175 मत में अंतर्गत कराया जाए कार्यों की जांच के संबंध में। चलिए आप पूछिए। माननीय मंत्री महोदय, आपका जवाब है कि 6 करोड़ से अधिक राशि कार्य बिना भौतिक सत्यापन के अंतिम भुगतान कर दिया गया है। विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री क्रय में वित्त नियम एवं निर्देश और भंडार क्रय नियम का पालन भी नहीं किया गया। बिना कार्य पूर्ण किए ठेकेदार को अंतिम भुगतान कैसे कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा भुगतान नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। ये तो जो कि आपकी काम चल रहा है और रनिंग जो भुगतान होता है एडवांस में वो किया गया है, जब पूरा काम हो जाएगा तब तो पूरा पेमेंट होगा। इस बीच में आपकी शिकायत आ गई, कमेटी बन गई, कमेटी जांच कर रही है और जांच में जो भी फाइंडिंग उसमें आएंगे तो उसके सारे उसमें कार्रवाई करें। माननीय 6 करोड़ में से कितने करोड़ की भुगतान हो चुकी है माननीय अध्यक्ष महोदय? नहीं, 6 करोड़ में से ये दो कंपनियां माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अल्ट्रा रेट सेल एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर, इसको इनका जो काम है वो 4 करोड़ 99 लाख का काम दिया गया है। उसमें इनको 3 करोड़ 83 लाख इसकी एडवांस दिया गया है इसको। और दूसरा एक जो कंपनी है वो एजे सप्लायर, ये बस्तर का है, इसको काम दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसको 1,36,35,000 का काम दिया गया है, इसको 80,000 का एडवांस। चलिए मरकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी, आपने बिना भौतिक सत्यापन के कैसे भुगतान कर दिया? क्या उसके पहले भौतिक सत्यापन किया गया क्या? मैं माननीय मंत्री जी से नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये तो चूंकि काम चलता रहता है, सामान उसके वहाँ जो सोटोलाइट जो बना रहा है वहाँ बहुत से सामान उसको भेज दिया था, वो रनिंग आपका पेमेंट है, ये पूरा भुगतान माननीय अध्यक्ष में नहीं हुआ है रनिंग पेमेंट, और इसीलिए अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि मैं बताना चाहूंगा इस कार्य में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। सोलर लाइट बैटरी जहाँ 24 वाट का लगना था 2 सेट, वहाँ 12-12 वाट के 2 सेट लगा के वो पैसा पूरा हरण कर दिया गया है और मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं भुगतान नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ विधानसभा समिति से जांच कराया जाए और भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिया जाए। चलिए मैं बता रहा हूँ, प्रश्न लगने से पहले मैं जब क्षेत्र में दौरा कर एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ था, प्रश्न लगने के बाद आज उस क्षेत्र में जाके आनंद फान काम किया जा रहा है और वो उल्टा पुल्टा काम किया जा रहा है। इस पर दोषी अधिकारियों पर निलंबन कार्यवाही की जाए, उसके बाद जांच प्रक्रिया चालू की जाए। माननीय मंत्री जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, किसी प्रकार की उनको शिकायत है तो आप अलग से जांच कमेटी बना के जांच कर ले कि आपके प्रश्न आने के बाद वहाँ काम शुरू हुआ है कि पहले शुरू हो गया। प्लीज समिति की जांच समिति के लिए यदि आपने निर्देश किया है माननीय अध्यक्ष जी, तो जांच समिति के लोग और अवधि की भी घोषणा होनी चाहिए क्योंकि समय कम है। अध्यक्ष महोदय एक सवाल और, जब शिकायत प्राप्त हुआ है, जांच चल रहा है, जांच कब तक प्राप्त होगा और काम कर रहे हैं, उसलिए मैं चाहता हूँ जांच समिति में वहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधि को शामिल किया जाए। ठीक, नहीं जांच कमेटी को, चूंकि जांच कमेटी बन गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी लोग अपना जांच कर लें। चलिए कोई पदाधिकारी शामिल कर लीजिए, जो निर्देश दिया उस बिंदु को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो बता दें मंत्री जी। चलिए चौथा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार चौथे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, उन पर भी थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ
कि ये मानपुर मोहला के बारे में मैंने पूछा है कि 2020-21-22-23 तक 2,17,00,000 का माननीय अंतर जी पूछने दीजिए ना। नहीं नहीं मानपुर के बारे में पूछ रहे हैं, मानपुर मोहला। हाँ राजनांदगांव का। अच्छा अच्छा है ना। अरे यार चलिए चलिए। क्या अध्यक्ष जी 9,17,00,000 का आवंटन दिया था, कितने एकलव्य महाविद्यालय को दिया गया था मंत्री जी, है ना? एकलव्य विद्यालय को दिया गया था, एक तो ये है। और दूसरा बता दीजिए, एक तो वहां भी समस्या आया और यहां भी समस्या है, आप इतने दिलेरी के साथ बिना क्रय भंडारण नियम पालन करने का हौसला तो आप ही में है मंत्री जी। आपने हाँ, आपने जो मैंने पूछा है, है ना, और स्वीकार भी करते हैं दिलेरी के साथ, पूर्णतः क्रय नियम का पालन नहीं किया गया, और कब से नहीं किया गया। ये सरकार जो काम करती है अध्यक्ष महोदय दिलेरी से ही करती है, कोई लाभ नहीं, कोई संकोच नहीं, जो चलेगा खुले हम चलेगा। कब से पालन नहीं किया गया अध्यक्ष जी, कब से पालन नहीं किया, तो आप देखिएगा 20-21 में भी पालन नहीं किया गया और 21-22 में भी पालन नहीं किया गया, 22-23 से भी जो खरीदी गई समिति है उसमें भी पालन नहीं किया गया। अब क्या किया जाए अध्यक्ष जी, आप बताइए कि क्रय नियमों का पालन नहीं, ये दिलेरी की बात है कि भ्रष्टाचार की बातचीत है कि इस पर कार्रवाई करने की बातचीत है, क्या आपको लगता है मंत्री जी, आप ही अपना निर्णय। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर सदस्य जी क्या चाहते हैं इसमें है? मैं चाहता हूं अगर आपको अगर 9,17,00,000 रुपए का आपने उपयोग किया है और क्या क्या सामग्री किया है ये अलग प्रश्न है, कौन एजेंसी है वो अलग प्रश्न है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस इतने पैसे का उपयोग करने के बाद उसको नियम में आपके आता है कि नहीं आता है, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो जांच समिति है उनके ऊपर, और आप मौन बैठे हुए हैं, संरक्षण देने का काम करते हैं और पूरा अपराध पर लेकर के बैठे हुए हैं और इसकी जांच इतना बिचारा बन करके काम करेंगे क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि वहां उसमें भंडार क्रय नियम का पालन नहीं हुआ है, तो जब नहीं हुआ है तो कार्रवाई भी होगी, तो बताइए किस टाइप का कार्रवाई करेंगे, कब तक करेंगे, क्योंकि उसका भी भंडार क्रय नियम का आपके भी पक्ष के मंत्री है विधायक जी का, तब तो उनका भी क्रय भंडारण नियम का प्रश्न था, यहाँ भी क्रय भंडारण नियम का प्रश्न है। आप बैठे ना, बैठे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021-20-21 इसमें मूल्यांकन समिति का गठन नहीं हुआ था, इसलिए सत्यापन नहीं हुआ, और उस समय थे नरेंद्र मरिया वहां के प्राचार्य, वो उनका निधन हो गया, इसे उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। माने अध्यक्ष महोदय, 2021-22 और 1/4/21 से 23/12/21 तक इसमें सत्यापन नहीं हुआ, कमेटी वित्त नियंत्रण की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसमें जो कार्रवाई उसमें हुआ, श्रीमती संगीता रॉबिन्स उसमें वहाँ के प्राचार्य थे, उसके विरुद्ध कार्रवाई हम लोगों ने विभागीय जांच संस्थापित उसमें किया हुआ है, दिनांक 14/2/2022 से 31/3/2022 तक ये सत्यापित हुआ, समिति गठित की गई थी और ये उसमें जो जांच पाई गई उसमें भी ये था कि क्रय नियम का पालन उसमें नहीं हुआ। तो माननीय अध्यक्ष में तमाम इन वर्षों में नरेंद्र मरिया, इसका निधन हो गया, श्रीमती संगीता रॉबिन्स उस समय प्राचार्य थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, श्री छबीलाल चंद्रवंशी ये उस समय आपके 23 में अनुशासन का कार्रवाई की जा रही है और हाँ बात, और वहाँ पे एसी को प्रभार दिया गया, एसी भी था आपके वहाँ ट्राइबल विभाग का और प्राचार्य भी था, और शिक्षा वो आपके वो भी रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेख राम मात्रा ये भी प्रिंसिपल थे, उसको भी कार्रवाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने वहां पर प्राचार्य ने जो गलती किया है सबके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है
और अभी वहां पे प्राचार्य डिप्टी कलेक्टर को बनाया गया है, तो क्या उसके और आगे किसी माननीय अध्यक्ष महोदय जी जो कार्यवाही आप कर रहे हैं क्या भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत कर रहे हैं कि आप केवल यह है कि जो मर्डर किया हो और उसको जमानती धारा दे रहे हैं आप, इस टाइप का कार्यवाही करवा रहे हैं आप? तो मेरा यह कहना आपसे अध्यक्ष जी क्या भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत, माननीय मंत्री जी आप बता दीजिए क्या भंडारण क्रय नियम के अंतर्गत कार्यवाही हो रही क्या? और दूसरा है कार्यवाही एक है, माननीय भंडार नियम क्रय नियम का जो था उसका उल्लंघन हुआ इसमें तो कार्रवाई हो रही है, और किसमें कार्रवाई हो रही है? क्या उन्हीं के नियम भंडारण क्रय नियमों के अंतर्गत ही कार्रवाई हो रही है क्या? मैं इतना ही पूछ रहा हूं। उसके अलग से कार्रवाई कर रहे हैं आप, क्या क्या नियम है वो जानकारी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय भंडार क्रय किए गए सामग्री में भंडार क्रय नियम 2002 एवं यथा संशोधित नियम 2022 के नियम 3 नियम 4 नियम 8 एवं छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकार पुस्तिका क्रमांक 2 1995 के सरल क्रमांक 1 एवं छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 1 के खंड 2 के अधीन नियम 8 एवं नियम 9 का पालन उसमें नहीं किया गया, ये जो होगी नहीं इसके तरफ कार्रवाई होगी। ठीक अध्यक्ष जी, आप इसके एक दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न, जिन नियमों में अनियमितता पाई गई तो वो कौन कौन से क्रय सामग्री थे और उसकी कौन कौन एजेंसी था जिसमें क्रय में क्या क्या सामग्री है जिसमें अनियमितता पाई गई? अध्यक्ष जी मेरे प्रश्नों का उत्तर माननीय अध्यक्ष जी एक साथ देंगे। ऐसे प्रश्न बहुत कभी कभी आते हैं जिसमें शासन स्वीकार करता है, ठीक है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी के संज्ञान में ये बातें कब आई? एक, जांच समिति गठित की गई तो जांच समिति में कौन कौन थे और उन्होंने क्या अनुशंसा की, क्या कार्रवाई की, अनुशंसा की किन किन बिंदुओं पर, जांच करके क्या क्या अनुशंसाएं की और जांच समिति कब गठित की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आपका ये पहले प्रश्न आ चुका था, ये माननीय विद्याभूषण के द्वारा उस समय प्रश्न आए थे दिसंबर में 22 आपकी अभी दिसंबर, वो उसके बाद हम संज्ञान में आया, संज्ञान में हमें यहाँ से अधिकारी भेज कर मैं उसकी जांच कराए थे ताकि उसमें जो लोग वहां रहे वहां पे जांच किए तब ये सारी बातें उस माने अध्यक्ष जी। मैंने कहा कौन अधिकारी जांच समिति में कौन कौन थे, किस किस बिंदु पर जांच हुई और कब रिपोर्ट आपको मिली और उस रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी क्या? तो यहाँ से अधिकारी भेजे थे बोलते हो तो जांच समिति का नाम आ जाए, अवधि आ जाए, विषय आ जाए, अनुशंसाएं आ जाए, सिंपल सा प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो वित्त नियंत्रक अध्यक्ष और कार्यालय अधीक्षक ये सदस्य होते हों और कनिष्ठ लेखा अधिकारी इसके मेंबर होते हैं, इनके द्वारा जांच कराई। चलिए मैं जो पूछा उसमें उत्तर आ गया, आप बोलेंगे तो मैं बैठता हूँ। माने आप मेरे को नहीं है, आपने पूछा कि कौन कौन जांच कमेटी में थे, बता बता दिया है वित्त नियंत्रक इसके अध्यक्ष कार्यालय अधीक्षक सदस्य और लेखा कनिष्ठ लेखा अधिकारी सदस्य रहे। एक मैंने कहा था भैया अधिकारी जांच के बिंदु, जांच की अवधि, आपको रिपोर्ट कब प्राप्त हुई, अनुशंसाएं क्या थी, ये कहा। एकलव्य विद्यालय जो है अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी बच्चों के हित को लेकर के बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से दो तीन चीज पूछना चाहता हूँ, इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। इसका कंट्रोल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? एक मतलब इसका नियंत्रण एकलव्य विद्यालय का छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है कि दिल्ली की सरकार कर रही है, एक। दूसरा, वहां पर शाला विकास समिति बना के आपने जनता की भागीदारी कराया है कि नहीं कराया है, दो। और लोरमी में तो अध्यक्ष महोदय उसके जमीन के लिए लड़ाई से लेकर के इमारत बनने तक और मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन तक मैं बाहर से ही उस स्कूल को देखा हूं, ना तो उस स्कूल के प्रिंसिपल कभी बुलाते और ना हम जबरदस्ती उस स्कूल में जाते।
तो क्या आप ये निर्देश करेंगे कि मैं उस स्कूल का निरीक्षण कर सकूंगा? ये आप अपने अधिकारियों के माध्यम से उस स्कूल को निर्देश देंगे क्या? मैं उसका निरीक्षण करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वुहान के लेप के समान उसको मत रखिए, चाइना के वुहान का लेप सरीके उसको मत रखिए, लोहे की दीवार में मत रखिए। वो जनता के पैसे से गरीब बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए बना है, इसलिए पूरी तरह से वहां पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मुझे आप बताइए कि ये सरकार आपके कंट्रोल में है कि दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है? वहां शाला विकास समिति बनी है या नहीं बनी है? और आप हर जनप्रतिनिधि को जिनके जिनके क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय है वहां से निमंत्रण देके समय लेकर के हमको उसका निरीक्षण कराएंगे क्या? शहर सरीके लगता है अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े शहर के समान बसा हुआ है, बहुत सुंदर बना है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। जबरदस्ती थोड़ी चले जाएं, तो आप बताइए थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं, चाहे एकलव्य विद्यालय हो, आवास विद्यालय हो, कोई विद्यालय हो, उसका निरीक्षण आप कर सकते हैं। ये हाँ, एकलव्य विद्यालय बोल तो रहा हूँ, कर सकते हैं उसमें, कर सकते आप। ये जो प्रश्न आया था कि जो कौन कौन उसमें जांच किए, जांच जो किए थे, ये पदेन आयुक्त, सचिव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जो जब कमेटी उसमें बना था, और उसमें जो जांच के जो मुद्दे उठाए गए थे कि प्रश्नाधीन अवधि में राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति राजनांदगांव की वर्ष बार और मत बार कितना आवंटित हुआ और क्या क्या उसमें खरीदी की गई थी, आप इसी में पूछे थे ना, क्या क्या खरीदी की गई थी? माने देखो, नहीं, खरीदी की गई थी ना, और उसमें बहुत सारे आपका नहीं नहीं भाई आगे मत करिए, प्रश्नाधीन अवधि में पूरा उत्तर आ रहा है तिरुनाल से, अगर जिला स्तरीय समिति द्वारा, जिला स्तरीय समिति द्वारा विद्यालय समिति को किस किस मद में कितनी कितनी तिथियों में राशि आवंटित की गई थी, प्रश्नाधीन अवधि में जिला स्तरीय समिति अधीनस्थ विद्यालयों में कौन कौन से सामग्री कब कब किस किस दर पर कितनी कितनी मात्रा में क्रय की गई, अधीनस्थ विद्यालयों में कब कब किस चलान पर दिनांक को सामग्री का वितरण किया गया, जिला स्तरीय समिति द्वारा क्रय की गई सामग्री हेतु वित्तीय संहिता नियम के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, क्रय समिति में कौन कौन सदस्य थे, समिति में कौन कौन थे, नियमानुसार कार्रवाई की गई है, की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विद्यालय स्तर पर सामग्री खरीदी में वित्तीय संहिता का भंडार नियम का उल्लंघन किया गया है, वित्तीय नियमता में कौन कौन से अधिकारी ये उनके जाना बिंदु चलिए, जांच के बिंदु बता रहे थे, जब हो गया अध्यक्ष महोदय, जांच के बिंदु मैं पूछा था, इसके प्रश्न के उत्तर में ठीक है, बाद में आया तो क्या बात, इसके प्रश्न के उत्तर में भाई मुझे मान उसका भी फैसला तक कराया गया। चलिए 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 चलिए, आप शर्मा जी क्या पूछना चाहते हैं? माननीय शर्मा जी पूछे, एक प्रश्न पे चार आ चुके हैं, करता हूँ मैं, करता हूँ आपकी व्यवस्था। माननीय मंत्री जी ने चंदन कश्यप जी और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी दोनों के प्रश्नों में ये स्वीकार किया है कि भंडारण एवं क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमको संज्ञान में तब आया जब दिसंबर के महीने में विद्या रतन भसीन जी का प्रश्न लगा तब। आप भी वही कर रहे हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप पूछे ना, पॉइंटेड पॉइंट पूछे ना। मेरा पॉइंटेड प्रश्न ये है कि तीन महीना पहले आपके संज्ञान में विषय आ गया, आया, आपने जांच के बिंदु तय करके जांच की कोई समय सीमा तय की क्या? नंबर वन जी। नंबर टू, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ निलंबन के साथ साथ आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए थाने में एफआईआर कराएंगे क्या? अच्छा, ऐसा बोलिए, थाने में एफआईआर कराएंगे क्या? जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी ना, माने देखो, अरे जांच की कोई समय सीमा होगी? समय सीमा है ना, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, हमारे संज्ञान में तीन महीना पहले आया, आपने स्वीकार कर दिया, विधान जांच की कोई समय सीमा होगी? विधान सभा प्रश्न के माध्यम से आया था, पढ़ना पड़ेगा इसकी, अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई भी होगा और एफआईआर भी करवाएंगे। तो
कब होगी ये बताओ ना। अब ये छोड़िए, नेताजी आपका निरस्त हुए हैं, मैंने बताया उसके बारे में, बता दें कि किसका किस कारण से निरस्त हुए है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सक्षम आदिवासी की बात है, मैं प्रमाण भी चाहूंगी, और इस मामले में, इस जमीन के क्रय विक्रय के मामले में काफी लेन देन का भी मामला आता है, फिर भी हितग्राही भटकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लूंगा अगर कोई नहीं। बघेल लखेश्वर बघेल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आश्वासन चाहती हूँ कि जांच होगा। जांच होगा बता दिए ना, जांच कर लेंगे, आप दीजिए जांच। धन्यवाद। उसमें जांच की आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया ना कि अगर आपको लगता है कि किसी का निरस्त किया गया है और गलत ढंग से निरस्त, और जो 140 प्रकरण लंबित है, मैं उनके भी जल्दी निराकरण चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी की जमीन को एक वैध परमिशन ऐसे कोई भी कलेक्टर नहीं देगा, उसमें जांच करते हैं, और जो उसके जांच के जो भी बिंदु है, जो उसमें परीक्षण करते हैं, उसके मुताबिक परमिशन दी जाती है। अब परमिशन मान लीजिए लगी है 100-200, तो ऐसा नहीं है कि 200 के 200 को उठा के परमिशन दे देगा और सब जमीनों को बेच दिया जाएगा, बल्कि मैं कहूंगा कि कबीर धाम जिले में जो परमिशन दिए भी गए हैं, उसमें बाकायदा कलेक्टर ने ये भी उसमें एक नियम बनाया था कि जो आदिवासी जमीन बेच रहे हैं, उतनी ही जमीन वो बराबर और खरीदेगा, भले वो कम रेट की खरीदेगा, क्योंकि खेती किसानी के लिए मान लीजिए उसकी जमीन शहर में है तो ज्यादा रेट पे बेचेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में वो ज्यादा कम रेट पे उसको खरीदेगा, तो उसको उस प्रकार से उसने जो परमिशन दिए हैं उसमें वो भी एक मापदंड है। चलिए जी अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, पर जल्दी निराकरण चाहिए। लखेश्वर बघेल जी जी जल्दी चलिए। अध्यक्ष महोदय, जमीन के सीमांकन नामांतरण बंटवारा नवीनीकरण से संबंधित था, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत विवरण दिए हैं, लेकिन आपके विवरण में 2021 चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं विदिशा का, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीएम मोदी से की बात, ओलावृष्टि से हुई क्षति की दी सूचना, विदिशा और सागर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से भी बात की है, खराब फसलों का लिया जायजा, राजस्व विभाग के अधिकारी साथ मौजूद, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर किसानों को जो फसलों का नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने पहुंचे, उसी के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री से भी बात की है। एमपी में विदिशा और ओलावृष्टि से विदिशा की फसल जो है वो खराब हो गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगभग 40,000 किसान मध्य प्रदेश का प्रभावित हुआ है सीधे तौर पे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से, और उसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि इससे सियासत गरमाई रही। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बैठक भी ली थी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ किसानों से मिलने पहुंचे थे, और आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच में है, विदिशा और सागर जिले का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल 4 गांवों के दौरे पूरे हो चुके हैं, खराब फसलों को लेकर किसानों ने खुद उनके पास पहुंचे हैं, और कई जगहों पर जिस तरह के हालात है वो ये बता रहे हैं कि फसलें पूरी तरह बर्बाद हुई है। इसके मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के अंदर सर्वे के निर्देश दिए हैं, थोड़ी सी तकनीकी मुश्किल इसमें यह है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का उस तरह से सहयोग नहीं मिल पा रहा है हड़ताल के चलते, लेकिन इसी बीच में खुद मुख्यमंत्री जब मैदान में उतरे हैं तो निश्चित रूप से अब ये माना जा सकता है कि राजस्व मामला सक्रिय होगा। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी अपनी तरफ से कार्रवाई में जुट गए हैं, लेकिन थोड़ी सी देरी राजस्व विभाग की तरफ से हो रही है, और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, और मुख्यमंत्री ने तमाम किसानों को एक धारणा भी बताया है, कहीं ना कहीं ये सांत्वना दी है कि जल्द से जल्द जो है उनके नुकसान की भरपाई होगी, और फसल बीमा के अलावा त्वरित सहायता राशि की बात भी जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है, किसानों की मांग है, विपक्ष की मांग है, मुख्यमंत्री उस पर भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, और हो सकता है कि आज ही दौरे के बाद एक बड़ी घोषणा हो जाए। जी जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
चले एक बार फिर से रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कोई भवन की व्यवस्था उसमें नहीं की गई, योजना में नहीं है। हाँ, अलग से भवन की योजना में नहीं है। महोदय, कि हिंदी मीडियम के स्कूल को इन्होंने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में वहां के बच्चे को निकाल दिया गया, और निकालने के बाद में अब ये बोल रहे हैं कि भवन अलग से नहीं बनाएंगे। या तो मंत्री जी के जानकारी में नहीं है, थोड़ा अधिकारी से बात कर ले। मेरे जानकारी में उसके अलग से भवन बना रहे हैं, मेरे जानकारी में है, लेकिन मंत्री जी के जानकारी में नहीं है, नया बना रहे हैं उसका। दूसरी बात, इन्होंने 181 विद्यालयों के आवश्यकता अनुसार जीर्णोद्धार निर्माण हेतु निविदा बुलाई है। अभी ये निविदा कब बुलाई गई है उसके जीर्णोद्धार के लिए, थोड़ा सा ये तारीख बताएंगे मेरे को। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये कि हमने कोई कब्जा नहीं किया है। हमने आत्मन स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल संचालित किया हुआ है, और जो स्कूल हमने किसी को भगाया नहीं, वहां पे नहीं है। वो दो पाली में लग रहा है, उसमें जहां जाए बच्चे हैं वहां पर अंग्रेजी भी लग रही है और हिंदी भी लग रही है, तो वहां से किसी को हटाने की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि 181 में निविदा बुलाई गई, ये 181 स्कूल का है, तो उसमें ये अलग अलग माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आर डी तिवारी का स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इसमें जो काम इसमें हो रहा है प्रकरण के आधार पर, और बीपी पुजारी ये भी स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी है, आर ई एस है, पीडब्ल्यूडी है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय इसके द्वारा जो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई निविदा नहीं बुलाई गई है, जीर्णोद्धार हो गए हैं, डे मैप से राशि दे दी गई है, उसका बंदरबाट हो गया है। मैंने इसीलिए कहा कि उसका तारीख बता दे कि निविदा कब बुलाई गई है और निर्माण कब हुआ है, मंत्री जी नहीं बता पाए। नहीं, माननीय अध्यक्ष, उसकी समुचित जांच कराना पड़ेगा पूरे प्रदेश में। माननीय अध्यक्ष महोदय, समुचित जांच। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग डेट में बुलाई गई है, बताइए ना। 25/2/81 का बताओ, 25/2/21 है, 17/5/21 है, 16/3/21 है, ये अलग अलग डेट में, 11/5/22 है, ये अलग अलग डेट में बुलाई गई है। मैं पूरा आप जानकारी आपको दे दूंगा। बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जो बालकशाला है उसको कब्जा किए, सब बच्चे कलेक्टर के पास में गए, उनको निकाल दिए थे, तब उसको ले दे करके हम लोग सब बातचीत किए तो रखे गए, और इसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि नए स्कूल नहीं बनाए जाएंगे, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। अब इसमें मैंने पूछा है कि सेकंड कि उसमें जो स्कूल खोले गए हैं कितने पद स्वीकृत है, कैसे भरे गए, उसमें भी उत्तर वही आया है कि 10,307 पद भरे गए, तो 4,283 प्रतिनियुक्ति से और 6,024 अस्थाई नियुक्ति, और ये हो गया आपका 10,307। मतलब उसका आपने कोई सेटअप तैयार किया है और सेटअप के आधार पर उसके विज्ञापन जारी करके उसकी भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं, और कब करेंगे उसको बताइए। ये प्रतिनियुक्ति वाले को माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके सेटअप तैयार किया गया है, और उसमें मैंने कहा कि जो उसमें एक तो प्रतिनियुक्ति पर भेज रहे हैं, प्रतिनियुक्ति पे भेजा जा रहा है, और उसके बाद अगर बचते हैं तो संविधान में उसकी नियुक्ति होगी, ये प्रक्रिया उसमें अपनाई गई है। तो प्रतिनियुक्ति पे और संविदा, ये दो उसमें व्यवस्था इसमें की गई। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब प्रतिनियुक्ति और संविदा हुआ तो उसके कोई सेटअप बना है कि नहीं बना है, वही तो आपको पूछ रहा हूं। सेटअप बना है माननीय अध्यक्ष, तो सेटअप पे आप विज्ञापन जारी करके भर्ती स्थायी करेंगे कि उसका संविदा में चलाएंगे? नहीं नहीं, सेटअप बना हुआ है, और सेटअप के आधार पर जहां पर प्रतिनियुक्ति में अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसकी विज्ञापन जारी करते हैं। आप किसी विषय की अगर नहीं मिल रहे हैं तो विज्ञापन जारी करते हैं, उस आधार पर नियुक्ति होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, काउंसलिंग के द्वारा। रंजना दीपेन साहू, एक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ केवल एक प्रश्न, कि ये जो नियुक्ति जो आप किए अस्थायी, इसकी कोई शिकायत आपको मिली है? माननीय कार्रवाई हुई है शिकायत मिलने के आधार पर? रंजना दीपेन साहू, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसे कोई शिकायत मुझे नहीं प्राप्त हुई। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार और पूछ लीजिए आप अधिकारियों से। चलिए बाद में पूछ लेंगे। 7 जगह से उसकी शिकायतें हुई है। और आपने बृहस्पति सिंह जी, यूडी मीन जी,
और बाकी लोगों के शिकायत के आधार पर जसपुर डीओ का निलंबन हुआ है, बात सही है? आप बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी लेकर आपको अवगत करा दूंगा। ये असत्य कथन कर रहे हैं। मैं जानकारी लेके, मैं जानकारी ले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलग से जानकारी लेके माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा। 16 बर्खास्तगी हुई है और अनेक लोगों ने शिकायत किया, जिसमें आपके जनप्रतिनिधि भी आपको शिकायत किए हैं और शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है। माननीय, चलिए आपकी जानकारी को लेके क्या हो गया? ये इसमें लिखा है प्राकलन तैयार किया गया। मेरा मुझे ये जानना है और आप भी जानिए मेरे ख्याल से, कि जो मापदंड क्या क्या तय किए गए हैं, प्रयोगशाला होगी, 4 कमरे होंगे, 2 हॉल होंगे, स्टाफ रूम होंगे, महिला वॉशरूम होगी, जेंट्स वॉशरूम होंगे, खेल का मैदान होगा, ग्राउंड होगा। चलिए ना प्रश्न कहा जाए, क्या मापदंड है जिसके प्राकलन कौन कौन एजेंसी द्वारा तैयार किए गए, एजेंसी नहीं बताई है। और दूसरा इसमें लिखा है अस्थायी नियुक्ति दी गई, तो अस्थायी सेवा भर्ती नियम शासन के पास है क्या? कौन सा अस्थायी नियुक्ति है, किस प्रक्रिया के तहत अस्थायी भर्ती की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो ये कि जो जितनी आवश्यकता होती है, कमरों की आवश्यकता होगी, मापदंड होगा, आपने नया तो खोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ा प्राकलन किसे होना है? प्रदेश में प्राकलन किसे होना है? न्यूदा बुलाई नहीं गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने मन से पैसा जारी करते गए हैं और इसमें मैं जांच की मांग कर रहा हूँ आपसे कि इसके जितने भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जितनी आवश्यकता होती है उसकी जांच में मांग कर रहा हूँ। मंत्री जी उसके जांच कराएंगे क्या? माननीय भरासाही हुआ है, बंदरवाट हुआ है डीएनएफ का पैसा का, और बिना प्राकलन के निर्माण कार्य हुआ है, उसकी जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी इसको जो स्कूलों में जितनी आवश्यकता होती है, कमरों की, लाइब्रेरी की, वो उसके आधार से प्राकलन बनता है, उसकी स्वीकृति को होती है। रखेंगे, बताएंगे क्या लोगों को? इसी में खेल है, इसी में तो खेल है। अरे भाई, तो जितनी आवश्यकता होगी उसी का तो एस्टिमेट बनेगा, और इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं। माने अध्यक्ष महोदय, रंजना दीपेन साहू, जय हो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री से जो मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर मुझे मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, माननीय मंत्री जी, जो नवीन बैंक शाखाएं खोलने की धमतरी में आपकी कोई योजना है क्या, और इसमें मांग पत्र गया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विधायक जी ने पूछा है, तो इनके क्षेत्र में जहाँ जहाँ अभी तो धमतरी में इनकी बैंक है, और उसमें प्रस्तावित किया गया है, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका प्रस्ताव उसमें आया है, आपदी में जी। इसका प्रस्ताव हमको मिला है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बैंक की शाखा सीधे हम लोग नहीं खोल सकते, इसके लिए आरबीआई की आवश्यकता पड़ती है, और आरबीआई से हम लोग भेजते हैं प्रस्ताव, और वहाँ से अनुमति मिलने के बाद ही हम उससे आगे की कार्रवाई करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहती हूँ मंत्री जी से कि आमदी के लिए क्या आपने प्रस्ताव भेज दिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहाँ मांग आई है उसकी जानकारी हम आरबीआई को भेजते हैं, आरबीआई से अनुमति मिलने के बाद ही उसमें आगे की कार्रवाई होती है। प्रस्ताव भेजा गया माननीय, माननीय मंत्री जी ने, मैंने इसमें बहुत सारे पत्र लिख के मंत्री जी को अवगत कराया कि हमारे यहाँ जो 3-4 ऐसे स्थान है, जो डुबान का जो क्षेत्र है, वहां से 50 किलोमीटर लोगों को धमतरी आना पड़ता है बैंक के लिए, और बैंक में लेन देन करते पूरा दिन उनका चला जाता है, पूरा एक दिन उनको लग जाता है, और तो दूसरे दिन फिर इनको आना पड़ता है, तो वहां पर आपने बैंक की शाखा खोलने के लिए क्यों इसके लिए प्रयास नहीं किया? माननीय मंत्री जी, मैंने कम से कम 10 बार आपसे पत्राचार किया है, ये सारी चीजें पत्र में लेकर आई हूँ, और एक भी पत्र का जवाब आपका मुझे नहीं मिला है। बल्कि मैं तो ये कहूं कि नवीन शाखा बैंक हेतु जो आदर्श नीति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदर्श नीति लेके आई हूं, क्योंकि इसमें जितने नियम है 12 बिंदु पर का पालन हमारे जो जिनको मैंने नाम दिया है वो क्षेत्र करते हैं, लेकिन इन्होंने यह कहकर टाल दिया कि हमने ऊपर भेजा है, लेकिन 2020 से इनको लगातार पत्राचार कर रही हूँ, इनका कोई भी जवाब नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें माननीय मंत्री जी आप बता दें कि आमदनी की घोषणा आप कर देंगे क्या? नारायण चंदेल, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि आपका प्रस्ताव आया है,
लेकिन सीधे हम उसको बैंक नहीं खोल सकते, बैंक की शाखा, उसके लिए आरबीआई की गाइडलाइन की जरूरत उसमें है। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में नवीन शाखा खोलने के लिए कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक 1949 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर ही की जाती है। जो नवीन जो शाखा बोल रहे हैं खोलने के लिए उसके उसके लिए आरबीआई, लेकिन कोई भी बैंक 3 वर्ष से कार्यशील हो और बैंक का CRAR की पूंजी जो जोखिम होता है उसके 9% से कम नहीं होना चाहिए। बैंक के निवल NPA 5% से अधिक कम नहीं होना चाहिए। बैंक द्वारा CRR कैश रिजर्व रेशियो, मैं बोला ना, हाँ बोलिए बोलिए भाई, आप बोले कि माननीय मंत्री जी इसी तरह पत्राचार हुआ है, पत्राचार में कार्रवाई क्यों हो रही है? प्रश्न काल समाप्त।